हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा था और हमने उसी बेसिस पे सॉल्व किया था एक्सरसाइज नंबर 1.5। ओके, तो वो आपको खुद से करना था। आई होप आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया होगा। तो हमारा अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। हमारा ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर मतलब क्या है। अगर आपके आपके पास दो रैशनल नंबर है, सपोज 2/3 है और 6/3 है, 2/3 और 6/3 ये दो रैशनल नंबर है, तो इनके बिटवीन द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर मतलब इनके बिटवीन कितने रैशनल नंबर है कि आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब वो पूछ सकते हैं कि राइट द टू रैशनल नंबर बिटवीन दिस टू रैशनल नंबर, मतलब ये दो रैशनल के बिटवीन कितने रैशनल नंबर निकालने हैं हमें, दो रैशनल नंबर। जैसे नंबर लाइन सबको पता है, सपोज मान लो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये नंबर्स है। आपको अगर पूछा जाए कि 1 और 5 के बिटवीन कितने रैशनल नंबर है, तो सॉरी कितने नंबर से, तो आप बोलोगे 2, 3, 4 है। ठीक है, लेकिन ये कौन से नंबर है, होल नंबर से। क्या नंबर से, होल नंबर से। तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो कि 1 के और 5 के बिटवीन कितने होल नंबर है, 3 होल नंबर से। या फिर वो पूछ सकते हैं कोई भी दो नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5 लिखो, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। कितने लिख सकते हो, 2, 3, 4, 3 नंबर लिख सकते हो इन दोनों के बिटवीन। वैसे ही अगर हमें दो रैशनल नंबर गिवन है और उनके बिटवीन कितने रैशनल नंबर हम निकाल सकते हैं, तो वो हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इन दो रैशनल नंबर के बिटवीन हम बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर इनके बिटवीन हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपको कि राइट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर। यहाँ पे कितने निकालने हैं, सिर्फ 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो यहाँ से इजीली बता सकते हो, तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करो, तो ये 2/3 होगा, फिर दूसरा नंबर 3/3, तीसरा नंबर 4/3, देन 5/3 एंड देन 6/3 आ गया लास्ट नंबर। ये हमारे दो गिवन नंबर है। ठीक है, अब इनके बिटवीन हमें 3 नंबर्स निकालने थे, तो हमें मिल गए, तो हम ये 3 नंबर्स लिख सकते हैं। हमें सिर्फ 3 ही नंबर निकालना था। वैसे तो हम बहुत सारे हजारों लाखों नंबर्स इनके बिटवीन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पूछा कितना है, 3 नंबर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इन 3 नंबर्स को लिख सकते हैं। तो हर एक का आंसर अलग अलग आ सकता है, हर एक का आंसर अलग अलग आ सकता है, लेकिन वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे लाखों नंबर्स या फिर इनफाइनाइट नंबर इनके बिटवीन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर इतना है, उसका आंसर इतना है, तो उसका गलत है, मेरा सही है, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि 3 नंबर्स पूछे हैं, तो लाखों में से आप 3 उठाओगे, तो हर एक का अलग अलग आना ही है। तो ठीक है, तो इसके लिए एक ये तो सिंपल एग्जाम्पल है, यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे गिवन होते हैं, जैसे मान लो सपोज मान लो हमारे पास 4/3 है और 7/3, सॉरी 7/3 नहीं, 5/3, 4/3 और 5/3, और क्या पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द 3 नंबर्स बिटवीन दिस टू रैशनल नंबर। इन दोनों के बिटवीन कितने नंबर्स निकालने हमें, 3 रैशनल नंबर। अब जैसे हम नंबर लाइन से यूज करें, डिनोमिनेटर सेम है, तो 4/3 और अगला वाला नंबर क्या आएगा, 5/3 डायरेक्टली आ गया। तो अब हमें 3 नंबर्स तो इनके बिटवीन मिले ही नहीं, जैसे पहले एग्जांपल में मिले थे वैसे मिले ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अब सर हम यहाँ पे 3 नंबर कैसे निकालेंगे, या तो डायरेक्टली 4 के बाद 5 ही आता है और डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे। तो ऐसे केस में एक ट्रिक है, क्या करना पड़ता है, अगर रैशनल नंबर निकालना है इन बिटवीन टू रैशनल नंबर, तो इनको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, और 1/2 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। जब हम डिनोमिनेटर सेम है और इनके बिटवीन इजीली 3 नंबर नहीं निकाल सकते,
थ्री पूछे है तो थ्री, फाइव पूछे है तो फाइव भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे केस में जब निकाल नहीं सकते तो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और इनटू क्या करना है वन बाय टू, और वन बाय टू से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, इजीली हो जाता है। अब बताओ इनका एडिशन कैसे होगा, कॉमन है, एडिशन कैसे करते हैं रैशनल नंबर का, डिनोमिनेटर सेम करते हैं पहले, और यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम ही है, डिनोमिनेटर लिख लिया और इसका क्या होगा 4 + 5, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, इनटू 1/2 तो कितना होगा 9/3, 9/3 बराबर है, इनटू 1/2 तो इसको 3 लिख सकते हैं, 3 × 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2, कितना बना 3/2। तो ये जो आया है 3/2 ये 4/3 और 5/3 के बिटवीन एक रैशनल नंबर मिला, 3/2 उनके बिटवीन वाला एक रैशनल नंबर मिला, पर एक ही मिला। सर हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए, अब क्या करना है, एक ही मिला इनके बिटवीन, अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही फॉलो करना है, फिर से वही फॉलो करना है। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, दूसरा रैशनल नंबर निकालना है, कितने पूछे हमें 3 पूछे, तो क्या करेंगे या तो इन दोनों का एडिशन करो या फिर इन दोनों का एडिशन करो। तो पहले दो नंबर्स का एडिशन करो तो इनके बिटवीन वाला नंबर निकलेगा, अगर इन दोनों के एडिशन करोगे तो इनके बिटवीन वाला नंबर, किसी के साथ भी ये दोनों के एडिशन करो या फिर ये दोनों के एडिशन करो, ठीक है, तो पहले वाले दो नंबर के एडिशन करो, ठीक है। तो क्या होगा 4/3 + 3/2 और फिर से वही प्रोसीजर, इन दोनों का ऐड करना है और 1/2 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे एडिशन किसका हुआ है, 5/3 का नहीं, जो बिटवीन नंबर आया उसके साथ पहले वाले नंबर का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एडिशन, अब डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो 3 इनका एलसीएम क्या होगा 6 होगा, तो 6 करने के लिए 4 × 2 और 3 × 2 6 एलसीएम प्लस इसका 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 3 और 2 × 3 बराबर है, इंटू 1/2 एज इट इज, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना बना ये 8/6 प्लस ये कितना बना 9/6। अब हमारा डिनोमिनेटर क्या हुआ, सेम हुआ, इंटू 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है, ये याद रखो, इन दोनों का एडिशन इंटू 1/2 हर स्टेप में। तो अब 6 बना, तो 6 एज इट इज रख देंगे और क्या हो जाएगा 9 + 8 = 17 × 1/2 तो ये कितना बना 17/12। तो ये हमारा मतलब दूसरा नंबर बिटवीन दिस टू नंबर्स। अब इसे लिखेंगे कैसे, फिर से नंबर की 1/3, इन दोनों का एडिशन किया था तो ये जो नंबर मिला हमें ये इनके बिटवीन वाला नंबर होगा, इनके बिटवीन वाला, तो कौन सा है 17/12 और बाद में क्या आएगा 3/2 और बाद में 5/3, ठीक है। अब कितने नंबर मिले इनके बिटवीन हमें, हमें नंबर किन के बिटवीन निकालना था 4/3 और 5/3 के बिटवीन, अब दो नंबर मिले हैं बराबर है। अब हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, पहले हम ये दो नंबर के एडिशन कर सकते थे या फिर ये दो नंबर के एडिशन कर सकते, अब हम इन दोनों की एडिशन भी कर सकते हैं, इन दोनों की भी कर सकते हैं और इन दोनों की भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम करते करते बहुत सारे नंबर निकाल सकते, हमें कितने मिले 2 मिले, फिर से हम क्या करेंगे, हमें 3 चाहिए, 3 नंबर चाहिए, तो हम स्टार्टिंग वाले ही दो नंबर की क्या लेंगे एडिशन लेंगे, स्टार्टिंग वाले दो नंबर की, तो ये बन जाएगा 4/3 + 17/12 और फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे का? फिर से ब्रैकेट सॉल्व करो, अब इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, 3 को इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा 12 की टेबल में भी 12 आते हैं, 3 के टेबल में भी 12 आते हैं, तो इसको एज इट इज रखेंगे, इसको सिर्फ क्या बनाएंगे 12 बनाएंगे, तो 12 बनाने के 3 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो न्यूमरेटर में भी 4 से और डिनोमिनेटर में भी 4 से, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12 प्लस यहाँ पे 12 लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 12 है, 17/12 इंटू 1/2, 1/2 से कंपलसरी मल्टीप्लाई करना ही करना है, ठीक है। फिर ये कितना बना 16 / 12 + 17
डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 बाय 2, ठीक है। अब 12 एज इट इज ये कितना होगा 33 इंटू 1 बाय 2 इंटू 33 बाय 12 इंटू 1 बाय 2 ये कितना बना, 1 बाय 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 33 और 12 टू जा 24, 12 टू जा 24, तो ये मिला हमें थर्ड नंबर। अब एडिशन किसका किया था, ये दो नंबर के, तो हमें ये नंबर जो मिला वो किसके बिटवीन होगा, इन दोनों नंबर के, मतलब 4 बाय 3 इन दोनों के नंबर, इन दोनों का एडिशन किया था उनके बिटवीन का नंबर 13 बाय 24, उसके बाद 17 बाय 12, उसके बाद 3 बाय 2, उसके बाद 5 बाय 3। अब कितने नंबर मिले हमें, तीन नंबर मिले, कितने नंबर मिले तीन नंबर, तो आ गए हमारे नंबर। ऐसे अगर पाँच निकालने हैं तो फिर से क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, वैसे ये इसी प्रोसीजर से फिर से चौथा नंबर मिलेगा, फिर से उस नंबर के साथ, अब किसी भी नंबर के साथ ये दोनों का भी एडिशन कर सकते हो, वहाँ से आपको नंबर मिलेगा। तो हर एक जैसे आप एडिशन करते हो वैसे ही क्या होगा, आपके नंबर अलग अलग आएंगे। अगर मैं लास्ट वाले का एडिशन करता हूँ तो दूसरा नंबर मिलेगा, अगर इन दोनों के एडिशन करता हूँ तो तीसरा नंबर मिलेगा। तो ऐसे हम लाखों करोड़ या फिर इनफाइनाइट नंबर इनके बिटवीन निकाल सकते हैं, ठीक है। पर सेम प्रोसीजर करना है, क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना है, फिर से ऐड करते जाओ, आपको वहाँ पे नंबर मिलते जाएंगे। तो अगर इसी प्रोसीजर से फॉलो करते, पहले ही दो नंबर की एडिशन ले रहे हो तो सबका आंसर सेम आएगा, लेकिन कोई कोई क्या करेगा, अब इन दोनों का एडिशन कर लिया, यहाँ पे हमें नंबर मिला, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का एडिशन कर सकते हो, तो इन दोनों का एडिशन इंटू 1 बाई 2, तो नंबर अलग आएगा। तो वो किसके बिटवीन होगा, इन दोनों के बिटवीन का होगा। अगर इन दोनों का एडिशन हो रहा है तो वो नंबर जो आएगा वो इनके बिटवीन लिखना पड़ेगा। मतलब हमारा मोटो क्या है, ये दो नंबर के बिटवीन के तीन नंबर निकालना था, तो जो कि हमें अब क्या मिल गए, तीन नंबर मिल गए हैं, और इसे हम बोलेंगे द नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया, कैसे करेंगे, एकदम ईजी है, ठीक है। सिर्फ माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि कुछ कुछ रैशनल नंबर हमें निगेटिव रैशनल नंबर भी गिवन हो गए, तो वहाँ पे कैसे करेंगे निगेटिव रैशनल नंबर में, सपोज मान लो माइनस थ्री बाय 1/3 है और दूसरा नंबर है 1/2, एक निगेटिव रैशनल नंबर है और दूसरा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इनके बिटवीन हमें कितने नंबर निकालने हैं, थ्री रैशनल नंबर निकालने हैं। आपके बुक का एग्जांपल है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1.6 का फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें अगर हमें थ्री रैशनल नंबर निकालने, तो सेम प्रोसीजर, दोनों की एडिशन करो 1/2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1/2 पहले रैशनल नंबर के लिए, तो हमारे नंबर क्या थे, माइनस 1/3 और एक 1+1/2। ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी करते हो, निगेटिव और पॉजिटिव है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करोगे तो भी मिलेगी, या फिर इनका डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 1 × 2 माइनस 1 × 2 डिवाइडेड बाय 3 × 2 और ये बन जाएगा 1 × 3 और 2 × 3 दैट इज माइनस 2/6 और यहाँ पे 3/6। अब थ्री रैशनल नंबर निकालने हैं, एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ। अब ये निगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव, दोनों के हमने क्या करते हैं डिनोमिनेटर सेम। अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, ठीक है, और इस साइड -1, -2। अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर का कंपेरिजन नहीं होगा, सिर्फ किसका कंपेरिजन होगा, न्यूमरेटर का। तो -2 यहाँ पे और +3 यहाँ पे है, ये -2 और -3 इनके बिटवीन के नंबर निकालने हैं, तो कितने हैं -1, 0, 1, 2। तो ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर कितना है 6, -1/6 पहला नंबर, दूसरा नंबर 0/6 मतलब क्या 0 ही डायरेक्ट, तीसरा नंबर 1/6 और चौथा नंबर 2/6। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, मिल गए हमें चार नंबर मिले, लिखना कितने था 3 ही बनाना था। ऐसे भी कर सकते हो या फिर हमारी सेम प्रोसीजर कौन सी, ये वाली, कुछ कुछ प्रॉब्लम में हम इजीली निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर अगर सेम हो गए
तो इजीली हम उनके बिटवीन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर ये प्रोसीजर फॉलो करो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। जैसे एडिशन करना है कितना, सेम प्रोसीजर, डिनोमिनेटर कितना बनाना पड़ेगा 6, एलसीएम कितना है 6 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 1 बाई 2 कितना हुआ माइनस 2, ये हो गया 6 प्लस 3 6 इंटू 1 बाई 2 कितना मिला, डिनोमिनेटर सेम है 6, तो माइनस 2 प्लस 3 इंटू 1 बाई 2 तो कितना हुआ, माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है 1 बाई 6 इंटू 1 बाय 2, 1 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 12। तो किसके बिटवीन हमें नंबर मिला, इनके एडिशन की, मतलब माइनस 1 बाय 3 और ये नंबर मिला हो 1 बाय 12 इंटू सॉरी थर्ड नंबर हमारा 1 बाय 2, ठीक है। फिर इन दोनों की एडिशन करो सिमिलरली और 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। फिर से एडिशन करोगे और 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो ऐसे करते करते आप लाखों करोड़ों या फिर इनफाइनाइट नंबर इन दो नंबर के बिटवीन निकाल सकते हो। वो जो मैंने नेक्स्ट मेथड बताया था, सेकंड मेथड, वो एकदम ईजी है। डिनोमिनेटर सेम कर दो, इनका कंपैरिजन कर दो तो आपको वैसे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एकदम ईजी टॉपिक है। तो आपको घर पे एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्या करना है, इसी मेथड से सॉल्व करना है। वहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन वैसे ही है, फाइंड आउट द नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, कोई 3 टाइम्स बोलेगा, कोई 5 टाइम्स बोलेगा, तो वैसे आपको निकालते आना चाहिए। 5 टाइम्स बोला है तो 5 टाइम्स प्रोसीजर करना पड़ेगा, 3 टाइम्स बोला है तो 3 टाइम्स प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो ये आपको क्या करना है, घर पे सॉल्व करना है। एंड आवर चैप्टर इज फिनिश, हमारा जो रैशनल नंबर चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपको एक्सरसाइज 1.6 भी सॉल्व करनी है और रिव्यू एक्सरसाइज भी साथ में सॉल्व करनी है, ठीक है। थैंक यू।